औलियाए कामिलीन की याद क्यों मनाते हैं? कभी इस तरफ देखा है? वजह यह है कि आखिरत हमारी अच्छी हो जाए, सबब अल्लाह, सिर्फ अल्लाह के लिए, औलिया अल्लाह की याद हम मनाते हैं, आखिरत सवर जाए, आखिरत अच्छी हो जाए। और होना भी चाहिए, बुजुर्गों की याद मनाया करो, मनाते रहो। मैंने कहा ना कि यही निस्बतें काम आएगी, मगर वाकई वैसा उन बुजुर्गों जैसा बनना है हमें, तो फिर हमें कुछ तब्दीलियां लानी होंगी, कुछ तब्दीली। बहुत कुछ अगर लेकर आ गए तो बहुत आगे बढ़ जाएंगे, मगर कुछ तब्दीलियां। आज हुआ ये है कि हम मामला ये होते हैं ना कि लोग कहते हैं फैज नहीं मिलता या फैज नहीं मिल रहा, फला बुजुर्ग की बारगाह में गया। तो कुछ चीजें याद रखिए कि हमने अपने बुजुर्गों से सुना है कि बुजुर्गों की बारगाह में जब जाओ तो जहां तुम अपने चप्पलों को उतारते हो, सबसे पहले अक्ल के घोड़ों को भी वहीं उतार दो, अक्ल को भी वहीं उतार दो जहां चप्पलों को उतारा, और फिर दिल के दरवाजे को खोलो और फिर जाओ। जब ऐसा दिल लेकर जाओगे और अक्ल को वहीं दरवाजे पर रख दोगे, सच्चा दिल लेकर जाओगे तो फैजान होगा इन बुजुर्गों का। तो बुजुर्गों से फैज क्यों नहीं मिलता? एक तो ये चीज है कि हमारे अंदर इस वक्त यकसुई जो है ना, यकसुई खत्म हो गई। किसी चीज को पाने की तड़प और उसमें खो जाने की जुस्तजू जो है वो अब खत्म हो गई। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, यकसुई क्या चीज है, मैंने बिल्ली से सीखा है। जुनैद बगदादी कहते हैं मैंने बिल्ली से सीखा, और सीखने वालों के लिए तो कायनात की हर शय में निशानी मौजूद है। तवज्जो करनी चाहिए, अगर इस झाड़ को देखें तो ये झाड़ भी हमें कुछ सीख देता है। अब देखने वाले की नजर कि वो क्या सीख देता है। गरीब नवाज जैसी शख्सियत की अगर नजर पड़ती है तो वो कहेंगे कि ये हमें सीख देता है कि जिस तरह से मैं तनहा रहकर भी सबको छांव देता हूं, सूरज की तमाजत को बर्दाश्त करता हूं, मगर मेरे साये में, मेरे नीचे, मेरे तले जो आता है उसको छांव देता हूं। वही आलम तुम्हारा होना चाहिए, दूसरों की मशक्कतों को बर्दाश्त करो और तुम्हारे पास जो आए उससे मोहब्बत करो। मोहब्बत की छांव में अपने पास आने वालों को रखो। तो ये झाड़ भी कुछ सिखाता है। बहरकैफ हर चीज, यकसुई क्या चीज है, जुनैद बगदादी फरमाते हैं मैंने बिल्ली से सीखा। हर बुजुर्ग अपने अपने कौल, अपने अपने मामलात बताते हैं कि क्या कैसे किस चीज को हासिल करना है। और आज हमारा आलम ये हो गया है ना, हमें कोई चीज मिलती नहीं है। इसकी सबसे अहम वजह ये है, कुछ चीजें हैं, चंद लम्हों में मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। चंद लम्हों में, 5-10 मिनट अगर हो मिले तो मैं मुख्तसर में अर्ज करूं कि हमारे मामला ये हो गए ना कि हसद सबसे बड़ी चीज जो हमारे अंदर आ गई, हसद। फला से करीब है तो करीब क्यों, इसका हमें हसद। दूसरी चीज
फलां को इतना मिला और मुझे क्यों नहीं, इसका असर। फलां पर उनकी किसी की निगाह इतनी है, इसका असर। फलां पर तवज्जो नहीं तो उस चीज का असर। हर चीज यानी मामलात हमारे हसद में रह गए, और यही वजह है कि हम तजल्लियाते खास के सफर पे नहीं थे, क्योंकि शुरुआत ही हमारी ऐसी है ना कि हर एक को या तो फिर हर एक में हसद के मामलात, या फिर हर एक को कम तर देखना, हर एक को कम जानना, या फिर हर एक में ऐब तलाश करना। यही चीज हो गई, फला तो ऐसा है, फला तो ऐसा है, फला तो ऐसा है। मैं कहता हूं अगर उस फला की एक अदा भी अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई तो उसकी बख्शिश के लिए काफी है। एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा था कि हुजूर ये तो बताइए कि मेरे बैल की दुम अच्छी या आपकी दाढ़ी अच्छी। सोचिए हमसे अगर आज कोई आकर पूछ लेना तो हम या तो पहले उसको गाली देंगे, मिसाल के तौर पर हम तो अल्लाह का फजल है महफूज है इस चीज से, मगर एक आम बात देख रहा हूँ कि यानी इंसान या तो उसे बुरा कहेगा, अगर गाली देने वाला है तो गाली देगा, और अगर मारने की ताकत रखता है तो मारेगा, या तो सबके सामने जलील करेगा। लेकिन बुजुर्ग थे ना, पूछा सवाल करने वाले ने सवाल किया था कि हुजूर बताइए तो सही मेरे बैल की दुम अच्छी या आपकी दाढ़ी अच्छी। जवाब क्या दिया, सीखिए इस वाक्य से। और बुजुर्ग फरमाते हैं भैया ऐसा है कि अगर मैं इस दुनिया से ईमान को सलामत ले गया, मैं इस दुनिया से ईमान को सलामत ले गया तो यकीनन मेरी दाढ़ी तेरे बैल की दुख से अच्छी। और अगर इस दुनिया से ईमान ही सलामत ना ले जा पाया तो फिर तेरे बैल की दुम मेरी दाढ़ी से अच्छी, तेरे बैल की दुम मेरे दाढ़ी से अच्छी। सीखने की बात है। एक अल्लाह के वली थे जिनके पास एक शख्स हाजिर थे, बहुत बड़े बुजुर्ग थे, और उसने ख्वाहिश जाहिर की कि हुजूर इसमें आजम मुझे सिखा दीजिए, इसमें आजम, इसमें आजम, इसमें आजम क्या है पता है आप? इसमें आजम उस इस्म को कहते हैं, उस नाम को कहते हैं कि जिसको पढ़ा जाए और फिर जो दुआ की जाए, जो कहा जाए वो बारगाह इलाही में कबूल हो सके, वो है इसमें आजम। बुजुर्गों ने अलग अलग इसमें आजम कहे, सब ने अपने मुशाहिदात को बयान किया। किसी ने इसमें जात यानी इसमें अल्लाह को कहा कि ये इसमें आजम है, किसी ने किसी आयत की तरफ इशारा किया, किसी ने आयतल कुर्सी को कहा, किसी ने तीसरे कलमे तमजीद के लिए कहा, किसी ने कलमे तय्यबा के लिए कहा, किसी ने इसमें या बुद्दू को कहा। बहरकैफ बुजुर्गों ने अलग अलग इस्म बताए। बड़े पीर दस्तगीर फरमाते हैं कि इसमें आजम इसमें जात है यानी इसमें अल्लाह, बशर्ते जब तू इसमें जात यानी इसमें अल्लाह अपनी जबान से निकाले तो तेरे दिल में सिवाय अपने रब के और कोई ना हो। ये कैफियत पैदा करनी है। तो वो बुजुर्ग के पास पहुंचा कि हुजूर इसमें आजम सिखाइए, मैं इसमें आजम सीखना चाहता हूं। बुजुर्ग ने कहा कि अच्छा इसमें आजम तो मैं तुम्हें सिखा दूंगा, मगर मेरा एक काम करना होगा कि कल सुबह से लेकर शाम तक शहर के फसील के बाहर, शहर का जो फसील है उसके बाहर जो बाजार लगता है उस बाजार में जाकर तुम्हें सुबह से खड़ा होना होगा और शाम तक, और पूरा दिन मुआयना करना होगा कि क्या हो रहा है, और फिर आकर मुझसे बताना।
उसके बाद मैं तुम्हें इस्मे आजम दूंगा। ये काम मेरा कर लिया। अगर उसके बाद जो है मैं देखूंगा दूंगा नहीं देखूंगा। ये बड़ा खुश था कि ये तो इतना आसान काम है, कोई दूसरा काम बोलते तो हो जाता। अब गया शहर के शहर फसील के बाहर जो है बाजार लगा, सुबह में खड़ा हुआ और सुबह से लेकर शाम तक बाजार का मुआयना कर रहा था, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, सब कोई खरीदी कोई बेच रहा है कोई खरीद रहा है, सारी चीजें देखी। तो उन्हीं में एक शख्स, एक बूढ़े बुजुर्ग यानी एक बूढ़े जो है वो सफेद दाढ़ी कमर झुकी हुई तरबूज या पानी पानी का मटका भरकर लेकर जा रहे थे या लकड़ी उठाए हुए थे, लकड़ियां उठाए हुए सर पर गठरी लकड़ियों की रखे जा रहे। सिपाहियों का गुजर उसी जगह से हुआ। उन्होंने उस बुजुर्ग जिनकी दाढ़ी तक सफेद हो चुकी थी कमर झुक गई, झुक कर चलते थे सर पर, लकड़ियों का गठरा था उनकी लकड़ियां उनसे छीनी उसके बाद में उस बुजुर्ग को मारा, दाढ़ी पकड़कर खींची और पीटा उनको और उनकी मजाक उनका मजाक बनाया। कोई लात मार रहा है कोई धक्का मार रहा है कोई चाबुक मार रहा है, उस बूढ़े का मजाक बीज बाजार में चौराहे पर। बोलने की हिम्मत किसी की नहीं क्योंकि सिपाही है, लड़ेंगे तो शामत आ जाएगी। सब इस तमाशे को देख रहे हैं, कोई हंस रहा है कोई कहकहा लगा रहा है और कोई कोई गमगीन भी है। वो बुजुर्ग बूढ़े बेचारे उठे, उठने के बाद में कपड़े गंदे थे, उन्हें जमीन पर गिरा दिया गया था, मारा गया, लकड़ियां भी छीन ली गई, मगर उन्होंने उफ तक भी नहीं कहा। जाहिर सी बात है कि एक बूढ़ा जिसका कोई सहारा नहीं होता है, होता है ना गरीब, हमारे इधर एक कहावत है सबकी जोरू है क्या है, हाँ ठीक है समझे, ठीक है। बहन के वो अल्लाह के वली ने कहा था कि जाकर देख लो, जाकर देखा उनको वो बुजुर्ग को जो है वो लोगों ने मारा, जो बूढ़े थे मारा, उनकी बड़ी मामलात उनके ये किए, फिर भी वो उठे, उठने के बाद ने कपड़ों को साफ किया। अब जाहिर सी बात है कहते तो क्या कहते, एक गरीब आदमी उसके ऊपर अगर कोई ये बोझ डाल दे तो वो क्या कहेगा। उठे और चले गए खामोशी से, मुस्कुराते हुए आंखें नीचे की हुए, आंखों से आंसू भी कुछ टपके मगर कुछ कहा नहीं, खामोशी से। ये शख्स भी देख रहा था साले महाराज को। शाम हुई, बाजार बंद हुआ, सब अपने अपने घरों पर लौटे। ये शख्स भी उस बुजुर्ग की खानकाह में पहुंचा, शेख की बारगाह में पहुंचा और शेख की बारगाह में पहुंचने के बाद में अर्ज की, बुजुर्ग मैं आ गया सारे मामला देख। हजरत ने फरमाया क्या हुआ, कहा हुजूर कुछ ऐसा मामला नहीं, आम मामला थे, खरीदी बिक्री होती रही ऐसा वैसा सारे मामला। कहा और कुछ खास, हाँ हाँ हुजूर एक बात जो है थोड़ी अजीब लगी, खास तो नहीं थी कि एक आदमी सर पर लकड़ियां जो है वो सूखी लकड़ियां लेकर बड़ा बूढ़ा शख्स था, कमर झुकी हुई थी और झुक कर चल रहा था, बड़ा जईफ था, बूढ़ा था,
काफी उम्र हो चुकी थी, दाढ़ी सफेद हो गई, चलने भी जम रहा नहीं, जम नहीं रहा था। फिर भी अपनी गरीबी की वजह से सर पर जो है वो लकड़ियों की गठरी लेकर चल रहा है। सिपाही, हुकूमत के सिपाही वहां से गुजरे, घोड़े पर थे, उन्होंने देखा, उसकी लकड़ियां छीन ली, उसको लात मारी, चाबू से मारा, बहुत सी चीज, और उसकी हंसी उड़ाई, मजाक उड़ाई, लोग हंसे, उस लोग भी काफी हंसे, उसके कपड़े पर, उसको जमीन पर लिटाया, पैर गैप, ये सारी चीजें हुई। तो कहा कि वो बूढ़े कुछ बोले, कहा नहीं, वो तो ऐसे ही उठे, हजरत गरीब थे, क्या करते, वो तो उठे और चले गए, कुछ नहीं, खामोशी से नीचे उन्होंने डाली, चले गया। अच्छा, अब ये बुजुर्ग जो थे खानकाह के, उन्होंने कहा कि बताओ, अगर तुम्हारे पास इसमें आजम हो, मैंने अभी इसमें आजम के ताल्लुक से जो कहा, तो तुम क्या करोगे। अब जवाब उस शख्स ने दिया कि हुजूर, अगर मेरे पास इसमें आजम होता ना, तो सिपाहियों की गर्दनें कलम कर, उनकी हालत कलम कर देता, खराब कर देता, उनकी जान ले लेता, कि बेकसूर होने के बावजूद तुमने हमारे साथ में ये सलूक कैसे किया। वो शख्स, वो बुजुर्ग कहने लगे कि आप उठिए और खानकाह से निकल जाइए, मैं तुम्हें इसमें आजम नहीं दे सकता। कदमों में गिर गया, हुजूर मुझसे गलती क्या हुई कि इसमें आजम नहीं दे सकते। कहा बस तुम इसका काबिल नहीं हो कि तुमको इसमें आजम दिया जाए, इस काबिल नहीं हो। बुजुर्ग से पूछा गया कि हुजूर क्यों काबिल नहीं, फरमाते हो जिसकी जिसकी लकड़ियों की गठरी को छीना गया, जिसको मारा गया, जमीन पर लिटाया गया, जिसकी हंसी उड़ाई गई, जिसको चाबुक मारा गया, जिसके कपड़ों को गंदा किया गया, उस बुजुर्ग को तुमने देखा है, जानते हो कौन है। हुजूर नहीं, कहा वो मेरे पीर, वो मेरे शेख हैं, और इसमें आजम मैंने उन्हीं से सीखा, इसमें आजम मैंने उन्हीं से सीखा है। कहा कि जो शख्स इतना बेसबरा हो, उसको इसमें आजम कैसे मिल सकता है, जो शख्स इतना बेसबरा हो। तो ये चीज है कि हमारे अंदर वो चीजें नहीं जो बुजुर्गों के अंदर आई, इसलिए पैदा करो अपने अंदर वो चीजें कि हम दुनिया को देखकर बड़े इतराते हैं और उसके पीछे भागते हैं। हुजूर ने फरमाया दुनिया साये की तरह है, दुनिया साये की तरह है। मौलाना रूम ने भी अपनी मसनवी में इसका जिक्र फरमाया है, आप अगर साये के पीछे भागो। मौलाना रूम तो फरमाते हैं कि एक शख्स था जो देख रहा है कि एक मर्तबा जो है वो सूरज को पीट करके भाग रहा है, सूरज को पीट करके भाग रहा है। तो लोगों ने कहा, एक बुजुर्ग वहां पर खड़े थे, उन्होंने कहा सूरज को पीट करके क्यों भाग रहे हैं, सूरज को पीट करके भाग रहा है। कहा मैं अपने साये को पकड़ रहा हूं। कहा पकड़ पाए, कहा नहीं। कहा जिंदगी भर भागते रहोगे लेकिन साये को नहीं। कहा क्यों, कहा अपना चेहरा जरा सूरज की तरफ करो, पीठ अब तक की थी, अब चेहरा सूरज की तरफ कर दो। तो उसने चेहरा सूरज की तरफ किया और कहा कि अब साये को पकड़ो, अब भी पकड़ तो नहीं पाओगे मगर साया तुमसे भागेगा नहीं, तुम चलोगे साया चलेगा, तुम रुकोगे साया रुकेगा, क्योंकि तुम्हारा चेहरा सूरज की तरह है। हुजूर ने फरमाया दुनिया साये की तरह है, मतलब क्या, तुम दुनिया के पीछे भागोगे, दुनिया तुम्हें दौड़ाएगी। एक रुपए से बस नहीं हुआ तो हमने कहा 10 रुपए मिल जाए, 10 रुपए से दिल खुश नहीं हुआ तो हमने कहा 100 रुपए मिल जाए,
₹100 से कुछ नहीं हुआ तो कहा हजार, हजार से कुछ नहीं तो दस, दस से कुछ नहीं तो लाख, लाख से कुछ नहीं तो दस लाख, दस लाख से कुछ नहीं तो एक करोड़, और एक करोड़ से कुछ नहीं तो दस करोड़। जितना आता जाएगा तुम उतना चाहते जाओगे, और इसी दुनिया के कमाने के चक्कर में इस दुनिया से चले जाओगे, मगर दुनिया हाथ नहीं आएगी, दुनिया हाथ नहीं आएगी। यही फर्क है आप में और औलिया कामिलीन में, हम में और औलिया कामिलीन, कि वो दुनिया से भागते हैं। वो आलम ये है कि 800 साल बाद भी गरीब नवाज के चाहने वाले कम नहीं, हजार साल बाद भी गौस पाक के मानने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि भागे थे दुनिया से, दुनिया साये की तरह, साये से भागोगे तो साया तुम्हें दौड़ाएगा, साये साये के पीछे भागोगे तो साया तुम्हें दौड़ाएगा, और साये से भागोगे